श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। सीधी जिले के सीधी शैडो रोड स्थित बाईपास के पास एक व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिली है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही आज सुबह पुलिस की टीम पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर विवेचना में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमुई थाना अंतर्गत अवनीश सिंह बघेल उर्फ नीरज पिता कैलाश सिंह बघेल, उम्र 31 वर्ष, वार्ड नंबर 24 पुरानी सीधी, जो कल शाम 12 मार्च 2021 से ही गुम थे, जिनकी लाश सीधी शहडो रोड के मध्य बाईपास से कुछ ही दूरी पर मिली है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उप पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले का कहना है कि आज सुबह जानकारी मिली कि एक युवक की खून से लथपथ लाश झाड़ियों के बीच पड़ी है, जिससे पुलिस प्रशासन आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचा और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवा दिया। वहीं संदेहियों से पूछताछ की जा रही है, मामले का खुलासा होने पर सूचित किया जाएगा। पुलिस हत्यारों को ढूंढने में जुटी हुई है। सीधी से गुड मॉर्निंग टीवी न्यूज रिपोर्टर रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह एक संदिग्ध परिस्थिति में युवक की लाश मिली है, इस संबंध में क्या कहना है? आज थाना जमुई जो क्षेत्राधिकार के तहत है, एक बॉडी जो है प्राप्त हुई थी, जिसपे जो प्रथम दृष्टया दोनों थाने की पुलिस उसमें पहुंची थी और मामला देखने पर निश्चित रूप से कहा गया कि इसमें हत्या का मामला है। पुलिस ने इसमें जो प्राथमिक रूप से मर्ग और जो अपराध पंजीबद्ध किया जाना होता है वो कर लिया है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो अन्य साक्षी गढ़ हैं के अलावा उनसे भी कथन लिए जा रहे हैं। परिवारजनों से पूछताछ चल रही है और संदेहियों को भी इसमें पूछताछ इसमें जारी है वर्तमान। क्या अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया? जी नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें संदेहियों की से पूछताछ जारी है और चूँकि मामला हत्या जैसे मामलों का है तो कंप्लीट रूप से पूरे साक्ष्य जब एकत्रित हो जाते तभी हम कुछ कर पाए। ठीक। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।